हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर विल सी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हाइब्रिड पैरामीटर्स। चलो, क्या न्यूमेरिकल दिया है? फाइंड द हाइब्रिड पैरामीटर्स फॉर द नेटवर्क शोन। हाइब्रिड पैरामीटर्स और एच पैरामीटर्स, तो पहले उसका बेसिक डेफिनेशन मालूम होना चाहिए या इक्वेशंस मालूम होने चाहिए। सो हाइब्रिड है, सो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, एक वोल्टेज एक करंट है। एक पोर्ट वन पे डिफाइन किया हुआ रहता है और दूसरा पोर्ट टू पे डिफाइन किया रहता है, और फिर इधर आता है आई वन और फिर वी टू। सो वी वन आई टू इन टर्म्स ऑफ आई वन एंड वी टू। अब ये न्यूमेरिकल है, तो पहले अपने को डिसाइड करने का है कि अपने को केवीएल से जाने का है या केसीएल से जाने का है। तो अगर केवीएल के लिए जाते हैं तो इधर तो करंट है आई वन, इधर आई टू रहेगा और इधर आई थ्री रहेंगे। सो टोटल आपके पास पांच वेरिएबल हो जाएंगे। अगर आप केसीएल से जाते हैं तो इधर है वी वन, सो हियर यू हैव टू अज्यूम सम अदर वोल्टेज वी थ्री, एंड हियर द वोल्टेज विल रिमेन एज वी टू ओवर हियर। सो दैट मीन्स अगेन ओवर हियर देयर विल बी फाइव वेरिएबल। सो अगर ऐसा केस है कि केवीएल या केसीएल दोनों में सेम वेरिएबल है, देन वील प्रीफर केवीएल, दैट मीन्स मेश एनालिसिस। और मेश एनालिसिस क्यों प्रीफर किया जाता है? क्योंकि केसीएल में जब अभी आप करंट लिखते हैं, सो इट विल बी वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, सो इधर डिनोमिनेटर आ जाता है, एंड देन मैथमेटिकल ऑपरेशन टेकिंग एलसीएम बिकम्स कम्बरसम, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई वी विल प्रीफर केवीएल ओवर हियर। अभी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सो इधर तो आई वन आ गया रहेगा, इधर आई टू रहेगा, एंड वील अज्यूम द करंट इन द सेंट्रल मेश एज आई थ्री। पहले ये किधर भी इक्वेशन में आई थ्री नहीं, तो पहले आपको आई थ्री हटाना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा केवीएल इन मेश थ्री। ये हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सो इससे क्या हो जाएगा, आई थ्री यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ आई वन एंड आई टू। ओके, सेकेंड, इसके बाद ध्यान में रखिए, आपको पहले केवीएल मेश टू में अप्लाई करने का है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी आप केवीएल मेश टू में अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट वी टू आई टू एंड आई थ्री, वी टू आई टू एंड आई थ्री ओवर हियर। सो देखिए, ये जो इक्वेशन है वी टू आई वन और आई टू वाला, ओके, अभी आपको आई थ्री तो नहीं चाहिए, तो आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। सो क्या हो जाएगा, आपको वी टू तो रहेगा ही, आई टू रहेगा, और I3 थ्री इज इन टर्म्स ऑफ आई वन एंड आई टू, तो आई वन भी इधर आ जाएगा और आई टू के टर्म कंबाइन हो जाएंगे। सो यू विल गेट वी टू आई टू आई वन ओवर हियर, एंड देन यू रिक्वायर रीअरेंजमेंट ऑफ द इक्वेशन। और जैसे ही आप ये रीअरेंजमेंट कर दोगे तो आपको एच टू वन और एच टू टू मिल जाएगा। देन इन थर्ड स्टेप यू गो फॉर के वी एल इन मेश वन, और मेश वन में अभी आप के वी एल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सो यू विल गेट वी वन इन टर्म्स ऑफ I1 and I3, V1 in terms of I1 and I3। अभी देखो क्या हो जाएगा, तो V1, I1 और V2 चाहिए, सो I3 को पहले इधर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे आप I3 इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सो क्या हो जाएगा, यू विल गेट V1, I1 और I2 मिल जाएगा। लेकिन इक्वेशन देखो V1, I1 और V2 के टर्म्स में है, सो इधर से आपको H पैरामीटर्स मिले हैं, तो ये V2 का इक्वेशन जो है ये आपको बाद में इधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट V1 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड V2। फिर ये आप I3 का इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्योंकि किधर भी I3 नहीं है, सो क्या हो जाएगा, V1, I1 और I2 आपको मिल जाएगा। बट आपको क्या चाहिए, V1, I1 और V2 चाहिए, तो आपको पहले I2 हटाना पड़ेगा, और इधर से आपने I2 को रीअरेंज किया रहेगा, रीअरेंजमेंट लिखा है। So, I2 का इक्वेशन आपके पास आया रहेगा, वो I2 का इक्वेशन आपको इधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट V1, I1 तो रहेगा ही, और I2 के बदले ये इधर V2 आ जाएगा, एंड देन पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करके आपको H11 और H12 मिल जाएगा। तो ट्रांसमिशन पैरामीटर रहने दो या हाइब्रिड पैरामीटर्स रहने दो, एज सच कुछ मेथड उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू गो फॉर केवीएल और केसीएल, दैट वी हैव डिसाइडेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल। जिधर वेरिएबल कम है वो मेथड आपको फॉलो करने का है। इन केस ऑफ सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आ रहे हैं, देन यू प्रीफर केवीएल। चलो अभी ये प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व करके देखते हैं। सो पहले केवीएल इन मेश थ्री, सो मेश थ्री पहले मैं इधर दिखा देता हूँ, करंट आई वन है, आई थ्री हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और I2 तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा क्योंकि वो सर्किट डायग्राम में ही दिखाया गया है। सो पहले KVL इन मेश 3, एंड अभी आप एक्सपर्ट हो गए हैं, आपको इजीली KVL लगाने को आना चाहिए। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस,
these are the sign for the voltages across the resistances. So you will get minus 2i3 minus 4 times i3 plus i2 net downward current, and you go ahead, you will get minus 2 times i3 minus i1 is equal to 0. So isko solve karenge to kya mil jayega, ye ho jayega minus 8i3 minus 4i2, and here you will have plus 2i1 is equal to 0. So 8i3 is equal to, ye i3 ka term maine us side bheja hai, and then you will get 2i1 minus 4i2. So i3 is equal to 1 by 4i1 minus 1 by 2i2. And I will call this as equation number 1. Next, अभी आपको क्या करने का है? KVL in mesh 2 करने का है. इधर पहले करने का है. So, KVL in mesh 2. Or, before that, you have to assign the sign for the voltages across the resistances. So, you start at this point. So, V2 minus 4 times I2 plus I3. Both the currents are moving downward. And that is equal to 0. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स I2 प्लस 4 टाइम्स I3. पहले I3 को एलिमिनेट कर दो, तो ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, सो व्हाट यू विल गेट, 4 टाइम्स I2 प्लस, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स I2. ये मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2I2 और इधर आ जाएगा आपका प्लस I1. ये इक्वेशन आपके पास आ गया है. नाउ यू कैन कंपेयर विद दिस वन. I2 एक साइड पे होना चाहिए एंड I1 और V2 दूसरे साइड पे होना चाहिए. सो इसको हम लोग रीअरेंज कर देते हैं. सो 2I2 इज इक्वल टू माइनस I1 प्लस V2. एंड नाउ यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ I2 एज 1. सो यू डिवाइड बाय 2, सो यू गेट माइनस 1 बाय 2I1 प्लस 1 बाय 2V2. And now you can compare with this one and you can calculate H21 or H21 क्या मिलेगा, minus half, और H22 भी क्या मिलेगा, half. So ये दो parameters तो हम लोग ने calculate कर दिए हैं. And I will call this as equation number 2. अभी क्या बाकी है, अभी इधर का KVL बाकी है. So KVL in mesh 1, और KVL mesh 1 में लगाओगे तो, so before applying KVL in that mesh, you have to assign the sign for the voltages across the resistances. So V1 minus 1 times I1 minus 2 times I1 minus I3 and that is equal to 0. So you solve kar denge to aapko milega V1 is equal to 3 times I1 minus 2 times I3. Abhi I3 kidhar bhi nahi hai, to pehle I3 ko substitute karo idhar. So V1 is equal to 3 times I1 और माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 I1 प्लस ये हो जाएगा I2. ये मैंने I3 को इधर सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 2, ये प्लस हो गया है. सो इसको सॉल्व करेंगे तो V1 मिलेगा आपको 5 बाय 2 I1 प्लस I2. ओके, तो आपने I3 को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन ये इक्वेशन में देखो क्या है, V1 I1 और V2 है. दैट मीन्स यू डोंट वॉन्ट I2. I2 इधर से मिला है, ये सब्स्टिट्यूट कर दो एंड देन यू विल गेट इक्वेशन इन दिस रिक्वायर्ड फॉर्मेट. सो V1 इज इक्वल टू 5 बाय 2 I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ I1 प्लस हाफ V2. और अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बाय 2 माइनस हाफ, सो इट इज 4 बाय 2, सो यू विल गेट 2 I1 प्लस हाफ V2. एंड नाउ यू हैव टू कंपेयर विद दिस वन. So, ये अभी आपके साथ आपको इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करने का है एंड यू विल गेट H11. H11 कितना मिलेगा, 2, और H12 कितना मिलेगा, हाफ. सो वी हैव फाउंड आउट ऑल दी 4 हाइब्रिड पैरामीटर्स. एच पैरामीटर का अगर आप मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये हो जाएगा 2 हाफ ओवर हियर एंड देन यू विल गेट माइनस 1 बाय 2 एंड हाफ ओवर हियर. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, इन द टू पोर्ट नेटवर्क शोन कंप्यूट एच पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. तो उन्होंने बोला व्हेन आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड एंड दे हैव मेंशनड दीज क्वांटिटीज. सिमिलरली ओवर हियर व्हेन इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड दे हैव मेंशनड द क्वांटिटी. सो ये टाइप के न्यूमेरिकल में आपको एच पैरामीटर्स के इक्वेशन मालूम होने चाहिए. सो ये एच पैरामीटर्स के इक्वेशन है. आई विल कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अभी ए पार्ट में क्या दिया है, उन्होंने आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड.
आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड का क्या मीनिंग रहता है कि आपने इधर शॉर्ट किया है, और कभी भी पोर्ट को शॉर्ट करते हैं तो वी टू या उधर का वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाएगा, आउटपुट है इसके लिए वी टू। ओके, सो वी टू आपने जीरो कर दिया। अगर वी टू जीरो है दैट मीन्स दिस पार्ट इज नॉट देयर एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट एच वन वन। सो एच वन वन क्या हो जाएगा, वी वन बाय आई वन। क्या वी वन दिया है उन्होंने, यस 25, आई वन कितना है 1, सो ये क्या आ जाएगा 25, एंड इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, सो इधर आपको क्या मिलेगा यूनिट ओम। अभी आपको सेकेंड इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 से कैलकुलेट किया गया है, अभी इक्वेशन 2 से आपको क्या मिलेगा, सो एच टू वन मिलेगा, और एच टू वन का क्या फॉर्मूला रहेगा, आई टू बाय आई वन। आई टू कितना दिया है 2, और आई वन कितना है 1, सो ये आपको कितना मिलेगा एच टू वन 2। इट इज अ करंट रेशियो, सो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अभी सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट में उन्होंने क्या दिया है, इनपुट पोर्ट को क्या किया है, ओपन किया है, ओपन सर्किट है। और अगर इनपुट पोर्ट को अगर आप ओपन सर्किट कर देते हैं दैट मीन्स यू आर मेकिंग करंट एट दैट पोर्ट एट जीरो, दैट मीन्स आपने आई वन जीरो कर दिया है। सो अगर आई वन जीरो है ये इक्वेशन में, देन यू कैन इजिली कैलकुलेट एच वन टू, एंड एच वन टू ये फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा, इट विल बी वी वन बाय वी टू। तो वी वन कितना दिया है 10, और वी टू कितना आया है उनको 50, सो ये कितना हो जाएगा 0.2, एंड इट इज अ वोल्टेज रेशियो, सो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, अभी देखो आपने आई वन जीरो कर दिया है, सो आप एच टू टू कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड एच टू टू इज नथिंग बट आई टू बाय वी टू। आई टू कितना है 2 एम्पियर, और वी टू कितना है 50, सो 2 बाय 50 दिस इज 0.04, एंड इट इज अ रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज, सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा एम एच ओ। सो वी हैव कैलकुलेटेड द 4 हाइब्रिड पैरामीटर फ्रॉम द गिवन डेटा। You should know the hybrid parameter equations, and in such type of numericals, you have to follow a method over here. That means, first of all, you have to eliminate I3, then you have to go for KVL in mesh 2, and once you obtain these parameters, you can go for KVL in mesh 1. This will simplify the thing. अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप वो लूप में घूमते रहेंगे, एक वेरिएबल एलिमिनेट करोगे फिर कोई दूसरा वेरिएबल वो इक्वेशन में एंटर होगा। सो ये सब अवॉइड करने के लिए यही फ्लो आप फॉलो कीजिए, द थिंग्स विल गेट सिंप्लीफाइड। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैंक यू।